आज हम अपने सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी ये भी जो है एक टेक्निक है जिसमें जिसके जिसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम अपनी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये किस पे बेस कर रही है? उसी डिस्ट्रीब्यूशन पे जिस पे हमारी सॉल्वेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है डिपेंड कर रही थी कि एक चीज के अंदर उसकी एक चीज के साथ उसकी एफिनिटी उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा थी, दूसरी चीज के अंदर उसकी एफिनिटी या सोलिबिलिटी कम थी, तो उस चीज को हमने एक्सप्लॉइट किया था। यहाँ पे भी हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन के फिनोमेना को इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। सबसे पहले वो आपकी बुक में वर्ड की बात करता है, वो कहता है ये ग्रीक वर्ड है क्रोमेटोस, इससे क्रोमेटोग्राफी निकला है और इसका मतलब क्या है? कलर राइटिंग। क्रोम जहां पे भी आता है ना, इसका जनरल मतलब कलर का होता है। जैसे हम कहते हैं ना मोनोक्रोमिक लाइट है, मतलब एक कलर वाली लाइट है, तो क्रोम इज फॉर कलर, तो क्रोमेटोग्राफी कलर लाइटिंग को कहते हैं। अब इसमें होता क्या है बेसिकली? सपोज करते हैं जी कि हमारे पास एक मिक्सचर है मिक्सचर के अंदर ए बी और सी तीन चीजें मौजूद हैं आपस में मिक्सड। मैं चाहता हूँ कि ए बी और सी को मैं सेपरेट करूँ, तो क्या होगा? इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा दो फेज के अंदर। एक फेज होगा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी का मतलब होता है स्टे किया हुआ, रुका हुआ। और दूसरा होगा मोबाइल फेज, जो कि मूव कर रहा होगा। अब इसमें से इस कंपोनेंट की एफिनिटी हो सकता है स्टेशनरी फेज में ज्यादा हो मोबाइल फेज की निस्बत, बी की हो सकता है मोबाइल फेज में कम हो स्टेशनरी फेज में ज्यादा हो, सी की भी इसी तरह से डिफरेंट होगी। तो इन चीजों को जब हम एक पेपर के ऊपर बनाएंगे तो वो डिफरेंट अपनी एफिनिटी के हिसाब से एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और वो अलहदा हो जाएगा। इसकी सारी डिटेल हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे ताकि हमारी और भी जो चीज है वो सही तरीके से समझ में आ जाए। अब वो कह रहे जी जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड या लिक्विड हो सकती, लेकिन जो आपकी मोबाइल फेज है ये नॉर्मली क्या होती है? ये मोबाइल है तो ये वो चीज होगी जो फ्लो करती है, तो हमारे पास सॉलिड्स तो फ्लो नहीं करते, तो ये लिक्विड या गैस हमारे पास मोबाइल फेज होती है। स्टेशनरी फेज जो है हमारे पास सॉलिड या लिक्विड हम यूज कर लेते हैं। अब उसी तरह हमने के की बात लास्ट टाइम भी बात की थी, के यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट है। वो ये कह रहा है जी कि अगर एक चीज की हम बात करते हैं, सपोज मैं ए की बात कर रहा हूँ, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए जो कि उस मिक्सचर का हिस्सा है, उस मिक्सचर का कंपोनेंट है इन मूविंग फेज या मोबाइल फेज, टू द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इन स्टेशनरी। यहां से हमारे पास क्या आएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी किसका? ए का। इसी तरह बी और इसी तरह सी, तो इनकी जो उनकी है वैल्यू वो डिफरेंट होंगी। अब वो यहाँ पे ये बात कह रहा है जी कि अगर के की वैल्यू जो उनकी है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो स्मॉल वैल्यू का क्या मतलब है? जब भी दो चीजों को आप डिवाइड करें और आंसर जो है वो स्मॉल आए, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू बड़ी है। तो ये कह रहा है कि अगर k की बहुत छोटी वैल्यू होगी, अगर a के k की कंपोनेंट a के जो k की वैल्यू हमने निकाली है वो बहुत छोटी है, इसका मतलब क्या है कि a ज्यादा देर क्या किधर रहेगा? स्टेशनरी फेज में रहेगा। उसकी ज्यादा एफिनिटी किसके साथ है? स्टेशनरी फेज के साथ है। अगर k की वैल्यू बड़ी है, हाई वैल्यू है, तो फिर हम उसको कहेंगे जी कि वो मोबाइल फेज के साथ ज्यादा अटैच्ड है, मोबाइल फेज के साथ वो ज्यादा मूव करेगा, मोबाइल फेज उसको अपने साथ ज्यादा दूर तक लेके जाएगा।
ये के की वैल्यू से हमें पता लग जाता है कि वो चीज कितनी किस फेज के साथ चलती है, उसकी इन्फिनिटी कितनी। तो ये तो था जनरल कॉन्सेप्ट क्रोमेटोग्राफी का। अब यहाँ पे वो क्रोमेटोग्राफी की बात बता रहा है, वो कह रहा है जी अभी हमने बात की ऊपर स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज दो होते हैं, या वो सॉलिड हो सकता है अभी हमने पढ़ा, या वो लिक्विड होता है। अब यहाँ पे वो थोड़ी सी डेफिनेशन बता रहा है कि कह रहा है कि अगर तो स्टेशनरी फेज हमारा सॉलिड है तो जो क्रोमेटोग्राफी है दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, क्रोमेटोग्राफी। कौन सी क्रोमेटोग्राफी है उसका नाम होगा जी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन होती है बेसिकली किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर जब कोई चीज आके अटैच हो जाती है तो हम कहते हैं ये चीज क्या हुई है, इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गई। तो जब हमारा स्टेशनरी फेज में क्या होता है, सॉलिड होता है और वो कंपोनेंट जो है सॉलिड के ऊपर आके चिपक जाता है, तो हमने इसी तरह वाले से इसका नाम रखा है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, अगर तो स्टेशनरी फेज सॉलिड है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। और अगर स्टेशनरी फेज जो है वो आपके पास लिक्विड है तो फिर हम उसका नाम रख देते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज है। पूछ लेता है कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, या फिर इस तरह से पूछ लेता है कि अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड हो तो कौन सी क्रोमेटोग्राफी है, और अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड हो तो कौन सी क्रोमेटोग्राफी होगी। तो ये तो था एक मतलब दो डेफिनेशन थी। और आखिरी जो चीज है जो मेन टॉपिक है हमारा वो आज का, वो बेसिकली है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसको हम स्टडी करेंगे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। इसका आप अपने लैब्स के अंदर प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी की सबसे पहले आप याद रखें कि ये जो है ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, मतलब इसके अंदर जो है स्टेशनरी फेज वो क्या है, स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर लिक्विड होगा स्टेशनरी फेज तो वो क्रोमेटोग्राफी कौन सी क्रोमेटोग्राफी होगी, वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास तो पेपर है, ये पेपर है जो कि फेज है स्टेशनरी जिसके ऊपर चीजों ने मूव करना है, तो इसके अंदर लिक्विड तो नहीं है तो सॉलिड है, तो इसकी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कैसे होगी। तो जो स्टेशनरी फेज है इसके अंदर वो लिक्विड कैसे है कि जो लिक्विड है ना पेपर के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनके अंदर एडजॉर्ब है, पेपर के अंदर छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसके अंदर ये लिक्विड मौजूद होता है, इस वजह से हमने ये जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर। ठीक है, जो वाटर इसके अंदर एडजॉर्ब होता है वो मोबाइल वो जो होता है स्टेशनरी फेज के तौर पर काम करता है। अब मोबाइल फेज क्या होता है, मोबाइल फेज होता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसने मूव करना है। अब हम सबसे पहले जाते हैं इसकी टाइप्स के अंदर। पेपर क्रोमेटोग्राफी की आपकी बुक में उसने थ्री टाइप्स बताई हुई, असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब है जी ऊपर चढ़ता हुआ, डिसेंडिंग नीचे को आना, एंड थर्ड वन इज रेडियल, मतलब सेंटर से शुरू होके इस तरह डायरेक्शन में फैलते हैं। तो ये तीन तरह की डेफिनेशन, तीन तरह की पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे दैट विल बी असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम जो है अपना सॉल्वेंट का मिक्सचर वो ले लेते हैं जो कि हमारा सैंपल होता है जिसको आपने सेपरेट करना होता है।
अब करना हमने क्या है, हमने एक टैंक लेना है। ये एक टैंक है, टैंक के अंदर हमने अपना एक स्ट्रिप जो होती है पेपर की, वो काट के हमने उसके अंदर लटका देंगे। अबाउट 20 सेंटीमीटर की जो होती है ना स्ट्रिप आपने लेनी। क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है, वॉटमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर, ये जब आप करेंगे आपको मिल जाएगा, आपको अंदर आएगा ये पेपर। आपने क्रोमेटोग्राफी पेपर आपने ले लिया, इसकी 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिप आपने काट दी। नीचे से कोई 2 से 2.5 सेंटीमीटर के फासले पर आपने एक लाइन पेंसिल से मार्क कर। अब इस लाइन के ऊपर जो है, सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो सा मिक्सचर है जिसको हमने सेपरेट करना है, इस मिक्सचर के अंदर कुछ चीजें हो सकती है। जो प्रैक्टिकल आप बेसिकली परफॉर्म करेंगे ना वो इंक्स का होगा, उसके अंदर क्या होगा, रेड ब्लू ग्रीन इस तरह डिफरेंट कलर्स की इंक्स जो होती है ना वो मिक्स की होगी। जो भी आपका मिक्सचर है इंक्स में जो भी है, उसका आपने सैंपल जो है यहाँ पे इस तरीके से ले लेना। अब ये जो उनका टैंक है, ये टैंक खाली नहीं है, टैंक ये तो हमारी हो गई स्टेशनरी फेज, पेपर जो है हमारा। अब टैंक के अंदर लिक्विड है, सोलवेंट है, और वो सोलवेंट इस तरह हो कि ये जो आपकी लाइन है, ये जो आपने 2 से 2.5 सेंटीमीटर छोड़ा था, वो इसीलिए छोड़ा था कि वे वाला हिस्सा जो है आपका इसके अंदर लिक हो सके। आपने उस सॉल्वेंट के अंदर, ये जो सॉल्वेंट है दिस इज कॉल्ड मोबाइल फेज, इसको आपने इस तरीके से इसकी सेटअप कर देना। यहाँ पे आपने पॉइंट के ऊपर अपना मिक्सचर का स्टॉप स्पॉट लगा लिया, और अब आपने उसको थोड़ा सा उसके अंदर डिप कर देना, 5 से 6 मिलीमीटर तक वो उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिप हो। अब क्या होगा, अब आपने इसको छोड़ देना। अब ये जो सॉल्वेंट है ये वाटर के अंदर, ये जो पेपर है पेपर के अंदर, ये राइज करेगा, ये गीला है ये राइज करेगा, इसके ऊपर चढ़ेगा पानी जो है। जैसे ही जैसे ये वाटर जो है या सोलवेंट जो सा भी सोलवेंट है ये ऊपर जाएगा, ये अपने साथ इस इंक को भी लेता जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ पे तो आपको एक स्पॉट नजर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट है, रेड है ब्लू है ग्रीन है, हर एक की इस सोलवेंट के साथ डिफरेंट के की वैल्यू होगी। इसका के डिफरेंट है, इसका के डिफरेंट है, इसका के डिफरेंट है, मतलब क्या है कि हर इंक हर मिक्सचर का जो कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट डिफरेंट लेंथ तक मूव करेगा। हो सकता है यहाँ तक कोई और मूव करे, यहाँ तक कोई और यहाँ तक कोई, तो आपने इसको छोड़ देना है जब तक ये ऊपर राइज करता जाएगा। अब जब आपका सोलवेंट जो है, ये सोलवेंट आपके पेपर के 3/4 ऑफ द पेपर पहुंच जाए, तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने इसको निकाल लेना है, पेपर को डिप नहीं रहने देना। आपने जब 3/4 तक पहुंच जाए तो आपने उसको सेपरेट कर और उसके बाद उसको खुश्क होने के लिए छोड़ देना। अब जब आपका सॉल्वेंट उड़ जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास जो पीस ऑफ पेपर बचेगा जिसके ऊपर डिफरेंट जो होते हैं वो स्पॉट्स होंगे इंक्स के, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटो ग्राम। अब ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि जी क्रोमेटोग्राम क्या है, तो खुश करने के बाद जो पेपर हमारे पास बचता है, जो पेपर के ऊपर पैटर्न बचता है हमारे मिक्सचर का, वो हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राम। अब यहाँ पे तो इंक्स की हम बात कर रहे हैं, तो इंक्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो ये स्पॉट्स जो होते हैं हमें नजर आ जाएंगे। सपोज कर लेंगे कि जो हमारा मिक्सचर है दैट इज कलरलेस, वो वाटर की तरह का है, वो ट्रांसपेरेंट है, मिक्सचर के अंदर ए बी और सी थे, और मिक्सचर जो है वो ट्रांसपेरेंट था, कंपोनेंट जो है कलरलेस था। तो अब उसके जो ये वाले स्पॉट्स हैं वो हमें नजर नहीं आएंगे पेपर के ऊपर, तो फिर हम कोई ना कोई फिजिकल या केमिकल चीज अप्लाई करके हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि हमें वो विजिबल हो जाए। वो आपकी बुक में मेंशन नहीं किया हुआ, लगा हमारे लिए जानने के लिए भी जरूरी नहीं है। वो हम इस तरीके का लगाते हैं, कोई भी टेक्निक अप्लाई करते हैं जिससे वो पॉइंट्स जो हैं वो
विजिबल हो जाते हैं, लेकिन आप जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो कलर्ड होंगे, इंक्स होंगी, इसलिए आपको वो स्पॉट्स जो होते हैं वो नजर आ जाएंगे। इसको हम अगर इस तस्वीर में देखें कि ये कुछ इस तरह का बनेगा, ये एफ्लुएंट है जो नीचे से ऊपर चढ़ा है, ये आपका पूरा फिल्टर पेपर था या वो क्रोमेटोग्राफी पेपर था, ये लाइन आपने जो लगाई और इस लाइन के ऊपर आपने अपना स्पॉट लिया मिक्सचर का, ये मिक्सचर का स्पॉट था, ये 5 से 6 सेंटीमीटर जो आपने डिप किया, ये एफ्लुएंट अब पानी के अंदर ऊपर चढ़ेगा, ये मूव कर रहा है वाटर, दिस इज अ मोबाइल फेज, ये इंक जोनसी है, ये जो पेपर है ये स्टेशनरी फेज, ये जैसे जैसे ऊपर मूव करता जाएगा, ये मूव करता करता यहाँ तक आ गया, ये जोनसी है ये बता रहा है जी मैक्सिमम डिस्टेंस एफ्लुएंट ट्रेवल्ड, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो ये था, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट जो कलर मौजूद थे वो डिफरेंट जगहों पे प्लॉट होते गए, ये आपको नजर भी आ रहा है। तो ये था हमारा क्रोमेटोग्राफी, इसको जब आप पुश कर लेंगे तो क्या होगा, आपके पास ये क्रोमेटोग्राम बन जाएगा। इस पिक्चर में आप देखें ज्यादा बेहतर तस्वीर है पिछली वाली से, ये आपके पास टैंक था, टैंक के अंदर ये आपका पेपर हैंकर है, ये पेपर के अंदर जो है ये जो आपको येलो नजर लाइट का ब्लू नजर आ रहा है जैसे सॉल्वेंट, ये आपके पास वो बेस लाइन है। अब यहाँ पे ये आपका मिक्सचर है ब्लैक वाला, और यहाँ पे क्या किया है इसके अंदर चार इंक्स मौजूद थी, उसने चारों इंक का अलग अलग भी प्योर का सैंपल भी लगा दी, प्योर ये यहाँ पे येलो है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू, इसने साइड पे अलग भी चारों का अलग अलग लगा दिया और चारों को मिक्स करके जो बना एक वो भी लगा दिया। अब जो वाटर ऊपर चढ़ेगा तो देखें प्योर भी ये है और इसके अंदर जो ग्रीन वाली थी वो यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसी तरह ये जो येलो है वो यहाँ तक आई है, सॉरी ब्लू, इसी तरह ये ब्लू जो मिक्सचर के अंदर है वो यहाँ तक मूव करेगी, तो इस तरह ये सारी जो उनकी हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। अब जब आपके पास क्रोमेटोग्राम पुश हो के आ गया है, अब आपने उसकी रिमेनिंग जो उनकी है वो कैलकुलेशन करनी है, और वो कैलकुलेशन क्या है वो हम देखते हैं। सपोज कर लें कि ये मेरे पास जो था क्रोमेटोग्राम बना था, ये मेरे पास वो था मिक्सचर। अब इसके ऊपर जो है मैं कहता हूँ कि डिफरेंट स्पॉट्स आ गए, ये और ये, और जो टोटल हमारा एफ्लुएंट मूव किया था वो यहाँ तक था, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक कंपोनेंट का एक होता है रिटार्डेशन फैक्टर, वो हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है किसी भी चीज का कि रिटार्डेशन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, इसको हम RFB लिख देते हैं। अब सपोज करता हूँ जी मैं ये A है, ये B है और ये C है, अब इस लाइन से लेके जितना डिस्टेंस इसने टोटल ने कवर किया है एफ्लुएंट ने, इसको मैं कह देता हूँ जी Y, ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस जो कि हमारे एफ्लुएंट ने यहां से लेके यहां तक कवर किया है। अब ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ए ने डिस्टेंस कवर किया है इतना, उसको मैं कह देता हूं जी ए स्मॉल, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये कैपिटल ए ने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज स्मॉल, ये बी था, बी का पॉइंट था, बी ने जो बेसलाइन से डिस्टेंस कवर किया है वो है जी बी स्मॉल, और ये हमारे पास सी मिक्सचर था, कोई और कलर की इंक थी, इसने जो डिस्टेंस बेसलाइन से बनाया है दैट इज स्मॉल। टोटल डिस्टेंस जो एफ्लुएंट ने मूव किया है सॉल्वेंट जो ऊपर राइज किया है दैट इज वाई, ए ने जितना किया स्मॉल ए, बी ने जितना किया स्मॉल बी, और सी ने जितना किया स्मॉल सी। अब मैंने क्या करना है, मैंने इनका रिटार्डेशन फैक्टर जो होता है वो ले लेना है। अब रिटार्डेशन फैक्टर का फॉर्मूला आपकी बुक में
गिवन है वो मैं जरा इधर लिख देता हूँ, आर एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, जो आपका ओरिजिनल स्पॉट था जहां पे आपने मिक्सचर लिया था, वहां से लेके उस कंपोनेंट ने ए बी या सी ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। इसका आप क्या मतलब, आर एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, ओरिजिनल स्पॉट से उस कंपोनेंट ने ए बी या सी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, तो पूरा जो सॉल्वेंट ने मूव किया वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो डिस्टेंस इस ए ने ट्रेवल किया है दैट इज ए, और जो डिस्टेंस पूरे सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया है दैट इज वाई। तो अगर मैं आर एफ फैक्टर लिखूं यहाँ पे, आर एफ फैक्टर किसका, ए कंपोनेंट का, तो वो किसके बराबर होगा इस फॉर्मूले के तहत, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, पूरे सॉल्वेंट ने जितना किया फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, ये क्या होगा वाई। तो ए ओवर वाई हमारे पास क्या निकलेगा, रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ ए। इसी तरह रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ बी, ये क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है और ये ओरिजिनल स्पॉट है, इसका डिस्टेंस कितना है बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, ये पूरा सॉल्वेंट ने डिस्टेंस कवर किया है, दिस इज इक्वल टू वाई। तो बी ओवर वाई इज इक्वल टू आर एफ ऑफ बी। नाउ आर एफ ऑफ सी, ये किसके बराबर है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, ये होगा स्मॉल सी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। तो इन इस फॉर्मूले से जो आपके पास क्रोमेटोग्राम आया है उसको आप मार्क करेंगे, उससे डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, और उसको डिस्टेंस को यूज करते हुए आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स की रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू जो है वो आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम क्रोमेटोग्राफी को अपनी एनालिटिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं कि हम मिक्सचर को उसके कंपोनेंट्स में, ये मिक्सचर था हमें नहीं पता था इसके अंदर क्या क्या है या कितने मिक्सचर, लेकिन हमारे पास जिनसे पॉइंट्स आए स्पॉट्स आए उससे हमें पता चला जी कि इसके अंदर तीन हैं और उनकी एफिनिटीज क्या क्या है। तो ये जो उनकी है इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हमारे यूज होने वाली टेक्निक है। अब हम जाते हैं जी आखिरी जो चीज आपकी बुक में भी दी हुई है, यूजेज ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के यूजेस जो हैं वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहली तो चीज वही आ गई सेपरेशन, डिफरेंट चीजों को आपने डिफरेंट मिक्सचर्स को, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, आपने मिक्सचर्स को सेपरेट करना है। तो जो हमने भी एग्जांपल के साथ पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टडी की है वो बेसिकली सेपरेशन ही थी। दूसरी चीज आपकी बुक में लिखी हुई है आइसोलेशन, आइसोलेशन होता है किसी एक चीज को आपने सेपरेट करना हो, अलग करना हो, एंड समटाइम्स इट इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन एज वेल, प्योरिफिकेशन के तौर पर भी इसके इस्तेमाल हमें इंडस्ट्री में जो होते हैं वो मिलते हैं। और चौथी चीज जो होती है मतलब प्योरिफिकेशन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक सैंपल दिया जाता है और हम उसके ऊपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो इन दी एंड हमारे पास क्या बचता है, सैंपल पे जब आपने क्रोमेटोग्राफी की तो हमें ये पता चल गया कि सैंपल कितना प्योर है या कितना
इम्प्योर है, तो उसकी प्योरिटी जो है वो डिटरमिन करने के लिए किसी भी सब्सटेंस की हम क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे यूजेस। यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर टू वो खत्म हो गया। चैप्टर नंबर टू जो है हमारा दैट इज क्लोज्ड। सबसे पहले हमने पढ़ी थी फिल्ट्रेशन, उसकी सारी डिटेल हम पढ़ के आए हैं। फिर सेकंड टॉपिक था हमारा फिल्ट्रेशन हम कब करते हैं। मैं अगर इसको समराइज करना चाह रहा हूँ सेकंड चैप्टर को, फिल्ट्रेशन जब करते हैं जब हमारे पास लिक्विड के अंदर इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी क्रिस्टलाइजेशन, ये हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास जो इम्प्योरिटी है या जो सॉलिड है वो डिजोल्व हो जाए लिक्विड के अंदर, तो हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। थर्ड चीज हमने पढ़ी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या था कि जो आपका सॉलिड होता है वो लिक्विड फेज में जाए बगैर डायरेक्ट वेपर फेज में चला जाता है, तो उसको हमने यूज किया था। चौथी चीज हमने पढ़ी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसमें हम क्या करते थे कि एक सॉल्यूट जो था वो दो डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट उसकी सॉल्युबिलिटी थी, तो हम कोई नया सॉल्वेंट ऐड करवाते थे जिसकी जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती थी और हमारा सॉल्वेंट जो सॉल्यूट है पहले सॉल्वेंट से निकल के नए सॉल्वेंट में आ जाता था। और लास्ट जो हमने आज स्टडी की दैट इज क्रोमेटोग्राफी। इसको भी हम सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक मिक्सचर लेते हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। तो ये सारी चीजें हम अपने सेकंड चैप्टर में स्टडी करके आए हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक थर्ड चैप्टर के साथ शुरू करें।